हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ अभी मणिपाल पंत पार्क पर, ग्राउंड के पास में ये जगह है और मैं ले चलता हूँ आपको मंदिर की तरफ और ग्राउंड की तरफ जहाँ जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ है। आज तीसरा दिन है, कल लाए गए कतली प्रश्न से ही माँ नंदा सुंदा के मूर्ति निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है, जिसे कल ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ स्थापित कर पूजा प्रारंभ की जाएगी। तो मेले से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहे मेरे से, चलते हैं। मैं पहले भेजी थी पूरे मेरे परिसर में इस प्रकार से 3 या 4 बड़े विशाल गेट बनाए गए हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इस टाइम पे मेला परिसर में ये देखिए बहुत चहल पहल है। बढ़ते हैं मंदिर की तरफ और उसके बाद मैं ले चलूँगा आपको मेला क्षेत्र में, जहाँ झूला लगा हुआ है, दुकानें लगी हुई हैं। जबरदस्त उत्साह का माहौल है यहाँ पे। तो पहुँचते हैं सबसे पहले मंदिर, जहाँ पे माँ नंदा सुंदा मूर्तियों का निर्माण कार्य चल रहा है और मंदिर को भी कितने भव्य तरीके से सजाया गया है ये मैं आपको दिखाऊंगा। और मेले से जुड़ी सारी जानकारियाँ जानने के लिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखिए अब मैं पहुंच चुका हूं, मैं अभी मंदिर के मेन गेट के पास पहुंचने वाला हूं। ये देखिए, हेलो हेलो हेलो, कैसे बच्चों, मेला घूम रहे हो? हेलो हेलो, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए सामने जूता चप्पल स्टैंड बना हुआ है, जिससे किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो अपने। और ये है माँ नंदा देवी मंदिर, मेन गेट पर इस टाइम पर मैं पहुँच चुका हूँ। आपको अब मैं अंदर ले चलता हूँ जहाँ मूर्तियों का निर्माण चल रहा है माँ नंदा सुनंदा का, और मंदिर को कितने भव्य तरीके से सजाया गया ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी। मैं हूँ उस समय मंदिर में, ये देखिए कितने भव्य तरीके से मेले के लिए से सजाया गया है। शाम 7 बजे के आसपास का यह समय है, देखिए पूजा हो रही है इस टाइम पर। ये पूजा और आरती का समय है इस टाइम पर मंदिर में। श्रद्धालु लोग अद्भुत सुंदरता जिसे आप कह सकते हैं, और ये पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है। 1 सितंबर से मेला प्रारंभ हो चुका है। कल अष्टमी को माँ नंदा सुनंदा की ब्रह्म मुहूर्त में विधिवत मूर्तियों का की स्थापना कर पूजा प्रारंभ होगी और ये इसके पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी माल रोड, इधर ठंडी रोड, सजाया गया है। और मैं अब ले चलता हूँ आपको उस जगह पर जहाँ कल ब्रह्म मुहूर्त में माँ नंदा सुंदा की जो मूर्तियाँ बनी बन रही हैं आज, उन्हें स्थापित किया जाएगा और श्रद्धालुओं भक्तगण उनके दर्शन करेंगे। ये वो जगह देखिए जहाँ कल सुबह माँ नंदा सुंदा की ब्रह्म मुहूर्त में ही यहाँ पर स्थापना की जाएगी और श्रद्धालु लोग माँ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये है नंदा देवी मेले की चमक। कल संडे का दिन है, छुट्टी भी है और अष्टमी भी है, तो आप लोग भी जरूर आइएगा इस मेले में। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा मेला क्षेत्र में, जहाँ की रौनक आप देखते ही बनती है। आरती का समय है, श्रद्धालु लोग मान रहे हैं कि आपकी जय माता दी।
हार्दिक, पीहू और ये सब लोग यहाँ मेला घूमकर मंदिर पहुँचे हुए हैं। इसके बाद एक बार फिर से हम लोग मेला क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ बच्चे शायद फिर से झूला झूलेंगे। एक बार आप झूल चुके हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए मंदिर में आरती का समय बेहद भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। ये देखिए बाहर से मंदिर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, और जब तालाब पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है लाइट का तो और भी खूबसूरत लगता है। बेहद खूबसूरत तरीके से पूरे शहर को सजाया गया है। माल लो ठंडी रोटी देखिए, बेहद खूबसूरत नज़ारा है इस समय। पानी का जब रंग बिरंगी लाइट्स का देखिए, ये देखिए महिलाएं पहले दिन से शॉपिंग भी करने लग गई हैं। तो आज आपने क्या क्या खरीदा है? अभी कुछ नहीं खरीदा, अभी अभी वाले दुकानों का इंस्पेक्शन हो रहा है। खरीदारी कल होगी, दुकानें काफी लगी हुई हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो? अभी आप मेला घूमे, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस बार के मेले में बहुत अच्छी दीदी थी, हमें 2 साल से कोविड की वजह से मेला नहीं हो पाया था, बहुत इंतजार करते थे। इस बार हम बहुत मस्ती करेंगे इस मेले में और बहुत मजा आ रहा है। पिछले सालों में मेला हुआ था लेकिन इतना भव्य नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड था उस टाइम पर ना, क्योंकि नंदाष्टमी तो हर साल होती है, लेकिन इस बार भव्य तरीके से इसे मनाया जा रहा है। इस वजह से हम घूम भी नहीं पाए थे 2 साल। ओके, मेला क्षेत्र में और ये दुकानें सज चुकी हैं। ये पूरी लाइन मुझे कॉस्मेटिक की ही दिखाई दे रही है, इसमें चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये देखिए बाहर से आए हुए हैं कई लोग, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग दुकानें लगाने के लिए आते हैं, और सब बाहरी क्षेत्रों से होंगे। देखिए लंबी 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 दुकानें लगी हुई, पूरी लाइन चूड़ियों की और कॉस्मेटिक्स। ये देखिए खरीदारी भी लोगों ने शुरू कर दी है। देखिए इस लाइन में सारी क्रॉकरी की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखिए पूरी लाइन क्रॉकरी के बर्तनों की। बड़ी बड़ी दुकानें सज चुकी हैं। मैं उस जगह पहुँच चुका हूँ जिस एरिया में सब झूले ही झूले लगे हैं। देखिए छोटे बड़े कई झूले इधर लगे हुए हैं और जो समय भी चल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा जैन वेल बच्चों के लिए भी ओलंपस। फ्रेंड्स मिलते हैं कल अष्टमी संडे के दिन। ये देखिए अभी मेला क्षेत्र का खूबसूरत नज़ारा, मौत का कुआं, जनवेल, कोलंबस, ब्रेक डांस, काफ़ी सारे झूले और काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं। फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए।